हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट टू वीडियो में हमने देखा था हैलोजिनेशन के बारे में। ठीक, हैलोजिनेशन में हमने देखा था क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयोडीनेशन के बारे में। ठीक है, आयोडीनेशन मीन्स व्हाट? अल्केन में आयोडीन को ऐड करना है। अल्केन का जो एच है उसको रिप्लेस करके क्या लगाना है, वहाँ पे आयोडीन लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा आयोडीनेशन। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, ठीक है, उसमें क्या देखा था कि जब हम क्लोरीन को अल्केन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से और वो जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देखो, समझ में आएगा। एंड उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो आज का जो वीडियो हमारा है आयोडीनेशन, इसमें क्या करना है, जैसे एल्केन रहेगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर एच, और फिर हम क्या लेंगे, आई टू आयोडीन लेंगे। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, आर आई प्लस एच आई। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आयोडीनेशन। ये हमारा क्या होता है, अल्केन, ये बन गया आपका क्या, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। ये बाय प्रोडक्ट जो बना उसका नाम क्या है, इसका नाम होगा, जैसे HCl का क्या नाम होता है, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, तो लास्ट टू जो रिएक्शन देखा था हमने, वो हमने क्या किया था, ऐसा सिंगल एरो लगाया था, मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था, मतलब वो क्या था, जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बट इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन जो है वो है रिवर्सिबल। इट मीन्स अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना है, द एल्केन अल्काइल हैलाइड बनता है, तो ये जैसे ये बनता है उसी टाइम क्या हो जाता है, हमारा ये जो आर आई है वो आर एच में कन्वर्ट हो जाता है और ये वापस आई टू मिल जाता है। मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो नॉर्मल कंडीशन पे इस रिएक्शन को करना पॉसिबल नहीं है। अब ये वापस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस एच आई, ये एच आई जो है ब्रेक होता है आई, और ये आई यहां से लेकर के वापस बन जाता है आई टू, और ये एच और आर एच ये बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रिएजेंट या कैटलिस्ट को ऐड करते हैं जो इस एच आई को यहां से निकाल दें। अगर एच आई ही नहीं रहेगा तो वापस ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस एच आई को यहां से रिमूव कर देता है। अगर एच आई नहीं रहेगा तो वापस प्रोडक्ट, वापस जो है रिएक्टेंट ऑब्टेंड नहीं होगा, तो ये रिएक्शन फिर पॉसिबल हो जाएगा। तो आप पहले जनरल रिएक्शन लिखो, क्या हो जाएगा, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ आयोडीन, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, आप लिख देना, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विद आयोडीन इट गिव्स अल्काइल आयोडाइड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब यहां जो लिखना है आपको नोट करके, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। टू स्टॉप द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इंटू रिएक्टेंट वी एड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ ए का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सच एज क्या क्या यूज कर सकते हैं, एच जी ओ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एच एन ओ थ्री, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस एच आई को यहां से रिमूव कर देगा। अगर जब एच आई यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जो वापस मिल रहा था वो आपको नहीं मिलेगा, आपका मेन प्रोडक्ट भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख लो, नोट्स लिख लो पहले आप, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं रिएक्शन को।
चलो तो अभी क्या करना है, अभी हम लेते हैं फिर से रिएक्टेंट, हमारा वही रहेगा H, आयोडीन भी रहेगा, लेकिन इस टाइम क्या करेंगे हम इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HGO ऐड कर देंगे, तब जो प्रोडक्ट होगा, अभी यहां देखना साइन जो होगा वो इरिवर्सिबल, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये साइन दोनों एरो दोनों डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल सकता है, बट अगर सिंगल है मतलब सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आ सकता है, तो हमें यहाँ पे सिंगल एरो दिया, ये किसकी वजह से, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट में वही मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड, और आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, ठीक है, और भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, इसके जैसे हो गया आर एच प्लस आई टू तो रहेगा रिएक्टेंट हमारा, देन एच एन ओ थ्री, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, फिर से क्या होगा वापस आर आई, हमारा मेन प्रोडक्ट ये, आपको मतलब क्या है, इस प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए, क्या अभी मेन प्रोडक्ट हमारा मिल गया, अब बाय प्रोडक्ट क्या मिल सकता है हमको, एच आई नहीं मिलना चाहिए, और कुछ भी मिल सकता है लेकिन एच आई आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट यहाँ क्या होता है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलता है वाटर प्लस अमोनिया, ठीक है, और यहां जो है आपका बाय प्रोडक्ट मिलता है इसमें एच जी आई टू, और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, आर एच प्लस ये आई टू तो रह गई, यहां पे हम यूज करते हैं एच आई ओ फोर, प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, आर आई प्लस फिर से क्या होगा, वाटर मिलेगा आपको एक, प्लस बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, दूसरा कोई बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको H2O मिलेगा, ठीक है, ये HIO3, तो बेसिकली ये जो है अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डायरेक्ट आयोडिनेशन, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आयोडीन को अल्केन से रिएक्शन करवा के हम ये क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्यों नहीं बना सकते, तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाई डायरेक्ट आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल, या अगर आपको डायरेक्ट आयोडिनेशन करवाना है तो आपको क्या करना होगा, तो जब भी आपको डायरेक्ट आयोडिनेशन करवाना है अल्केन में टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड या अल्काइल आयोडाइड, तो आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये जो हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्यों यूज करते हैं आयोडिनेशन जब करते हैं, तो ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो एच आई बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो बाय प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए, ठीक है, चलो यहां तक कर लो आप, अभी क्या है बुक में आपको इसको बैलेंस करना रहता है, बट अगर आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो तो ये बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बैलेंस करने का ट्राई नहीं करोगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपको बैलेंस करना होता है, बट ऑर्गेनिक में कभी भी आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ रहा है तो भी ठीक, तो फिलहाल हम यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस नहीं करते सो रन करते लोगे, नेक्स्ट हमारा है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, अब क्या करना है आपको, फ्लोरीन लगाना है कहां पे, आर एच अभी क्या करोगे F2 ऐड करोगे, और क्या बनाना है आपको, आर
एफ प्लस एच एफ बनेगा, ये बनना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है रिएक्शन? क्योंकि दिस इज अ विग्रस रिएक्शन, विग्रस रिएक्शन। विग्रस कहने का मतलब है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे तो ये एक्सप्लोर होता है, ठीक है। क्या होता है, आप जिस भी कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो सकता है वो ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम फिर इसके लिए हम और क्या रीजन है कि इसको नहीं बना सकते? ये जो हमारे यहाँ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो एच एफ, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफ्लोराइड इज पॉइजनस एंड कोरोसिव, कोरोसिव इन नेचर। बाय प्रोडक्ट यहां जो मिलता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है, मतलब जहरीला होता है, और क्या होता है, कोरोसिव होता है। कोरोसिव मीन्स क्या होता है, अगर ये स्किन पे गिरा तो स्किन में आपको जलन होगा, ठीक है, स्किन बर्न होने लगेगा। तो इसमें दो डिफिशियंसी है। पहला डिफिशियंसी क्या है, अगर आप रिएक्शन करवाना भी चाहते हो तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत विग्रस कंडीशन होता है, बहुत फास्ट होता है रिएक्शन, हम इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हम नहीं करवा सकते हैं, यहाँ जो बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है, पॉइजनस होता है। मतलब ये तो है एच एफ एक गैस है, तो ये पॉइजनस इतना है कि अगर हमने सेफ्टी पूरी तरह से नहीं लगाया है तो आप जब भी रेस्पिरेशन होगे, सांस लोगे, तो क्या हो जाएगा, ये गैस आपके बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी में जाएगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है या हार्म करेगा बॉडी के अंदर जाके। और क्या होता है, कोरोसिव होता है भाई, मतलब मिस्टेक से अगर ये स्किन टच कर गया, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, ये जलन पैदा करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हम फ्लोरिनेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। तो हमने क्या देखा, हैलोजिनेशन में क्लोरिनेशन देखा, ब्रोमिनेशन देखा, आयोडिनेशन एंड फ्लोरिनेशन। चलो, तो ये था आपका अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। अभी तो हमने क्या किया, अल्केन को बना दिया हमने अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। अब क्या करेंगे हम, अल्कीन को ट्राई करेंगे कि किसमें कन्वर्ट करने का, अल्काइल फ्लोराइड में। तो इसमें जो होता है वो ए नंबर लिखते हैं, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें क्या करना है आपको, अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, H और X, और जैसे X बोला क्या क्या हो सकता है, X के जगह पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो जनरल अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, अल्कीन का क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है, यहाँ कार्बन भी हो सकता है, यहाँ भी कार्बन कार्बन कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ नॉर्मल क्या लेके चल रहे हैं, एच लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका एच। अब इसमें हमको ऐड करना है एच और एक्स, ये आपको ऐड करना है। जब हम एच एक्स ऐड करेंगे तो एक्स ये क्या है हमारे, अगर इसको लिखेंगे तो एच और एक बॉन्ड है गाइस, ये बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा, मतलब टूटेगा। अब एक्स हमारा होता है हैलोजन और एच है हाइड्रोजन, तो हैलोजन और हाइड्रोजन में, हैलोजन हमारा सॉरी हाइड्रोजन हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल में, और हैलोजन राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके चला जाएगा, ये लेके चला जाएगा, तो इसमें माइनस और इसमें प्लस चला जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो ये कुछ ऐसा क्लीव होगा कि एक के पास प्लस दूसरे के पास माइनस चला जाएगा, या फिर इस पे माइनस इस पे प्लस आ सकता है,
अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ जो ग्रुप लगा है वो कैसा ग्रुप लगा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब जिसकी जैसी स्टेबिलिटी होगी उस वैसे ही क्या बनेगा यहाँ पे आयंस बनेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ जो माइनस बना है यहाँ इस वाले पार्ट के पास प्लस प्लस के पास चला जाएगा, और यहाँ जो प्लस बना है वो यहाँ जो भी माइनस रहेगा उसके पास चला जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ प्लस बना है और यहाँ माइनस बना है ये बॉन्ड टूटने के बाद, तो अभी क्या हो जाएगा, ये प्लस है मतलब डेल्टा प्लस यहाँ लिखते हैं, डेल्टा माइनस लिखते हैं, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास जाएगा, और ये माइनस कहाँ जाएगा, इस प्लस के पास चला जाएगा। तो आपको जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, ये एच तो इसके पास पहले से है दो एच, अभी जो है आपका ये एक्स आया इसके पास, ठीक है क्या है एक्स, तो यहाँ आ गया आपका एक्स, और फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आ गया एच, तो दो एच तो इसके पास भी पहले से था और ये आ गया एच, तो आपको क्या मिला कार्बन और उसके साथ एक हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो गया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड हो गया। और यहाँ आपको ये क्या था आपका अल्कीन, अभी हम इसको रफ कर देते हैं, ये क्या है आपका अल्कीन, तो रिएक्टेंट आपका अल्कीन है, प्रोडक्ट आपका अल्काइल हैलाइड है, और रिएजेंट क्या है, रिएजेंट आपका हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो आरसीपी जो हम देखते थे आरसीपी रिएक्टेंट कंडीशन प्रोडक्ट, कंडीशन में हमारा क्या अभी एचएक्स है, रिएक्टेंट में क्या रहेगा एल्कीन रहेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड तो चार तरह का बन सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो ये चार तरह के बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे एक एक सबको बनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन उसके पहले और कुछ भी जानना है हमको, तो पहले आप यहां तक कर लो जनरल रिएक्शन लिखो आप, चलो यहां आपको दो चीज जानना है, एक तो सिमेट्रिकल अल्किन, सिमेट्रिकल अल्किन, और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्किन। अनसिमेट्रिकल अल्किन, सिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है, जैसे कोई अल्किन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, ये भी यहां भी रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों की बात कॉमन है। अब यहां बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है, यहाँ भी मतलब दो बॉन्ड बना सकता है, ये भी दो बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर इसके ये जो साइड है यहाँ जो बैलेंसी है, अगर इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इधर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल। जैसे कि अगर ये ऐसा है और यहाँ हम सी एच थ्री लिखते हैं, और ये साइड भी सी एच थ्री रहेगा, एक एच यहाँ है और एक एच यहाँ है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, दोनों साइड सेम, मतलब इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए। कार्बन का नंबर सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कार्बन का नंबर तो सेम होगा ही, लेकिन एक ही टाइप का भी होना चाहिए। एक ही टाइप कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आपका है सी एच टू और ये हो गया आपका सी एच थ्री, एक एच रहेगा यहाँ भी एक एच रहेगा, ये हो गया आपका सी एच टू और ये हो गया आपका सी एच थ्री। ठीक है, तो जैसे देखो इधर सी एच टू सी एच थ्री है, इधर भी सी एच टू सी एच थ्री है, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है सी एच टू सी एच सी एच थ्री ऐसा है, तो यहाँ तीन कार्बन है ना, तो यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ दो अलग यहाँ तीन, ये ऐसा नहीं करेंगे, तीन कार्बन तो इधर भी है तीन कार्बन है, तो नंबर सेम नहीं हो, सिर्फ नंबर ही सेम नहीं होना चाहिए, ये जैसा ये है वैसा ही होना चाहिए। एक ऐसा है एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप, एक इधर और दूसरा इधर, अभी क्या है जैसा ये है वैसा ये, तो दोनों क्या है सेम है मतलब सिमेट्रिकल अल्किन है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर सेम टाइप ऑफ अल्काइल चेन है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्किन, और अगर अल्काइल चेन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सी एच टू सी एच थ्री और इधर रहेगा सिर्फ सी एच थ्री, इसको क्या बोलेंगे हम, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब नॉट इक्वल, दोनों साइड इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है। या फिर और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये हो गया कार्बन हो गया, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, ये इधर सिर्फ सी एच थ्री लिखेंगे,
ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन कहने का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक ही टाइप के ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। और अगर अनसिमेट्रिकल बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मतलब याद रखने के लिए आप लिख सकते हो सिमेट्रिकल मीन्स क्या, सेम। और यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंट, ये सेम और डिफरेंट क्या हो रहा है, अल्काइल पार्ट का बात हो रहा है दोनों साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ठीक है। चलो अब जो हमारा एच एक्स है वो तो अल्कीन में ऐड होना है, तो दोनों अल्कीन हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, अगर हाइड्रोजन हैलाइड को सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करना है, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि जैसा ये कार्बन है वैसा ही ये कार्बन है, क्यों है, क्योंकि यहां भी एक एच है, यहां भी एक CH3, यहां भी एच है, यहां CH3, दोनों सेम है। तो आप H इसके पास भेजो या X इसके पास भेजो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम क्या करते हैं, कार्बन चलो 1 और 2 मान के चलते हैं और HX को ऐड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, HX, H को पहले 1 पे भेजेंगे और X को 2 पे भेजेंगे। तो CH3 CH और यहाँ X CH CH3 और ये हो गया H। अभी दूसरा हम क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, 1 पे भेजते हैं एक्स को, 2 पे भेजते हैं एच पे। तो ये जगह CH3 CH H, ये तो ऑलरेडी पहले से है, अभी डबल बॉन्ड है, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स, यहाँ लिख देते हैं एच। अभी देखो ये दोनों को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो दोनों सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। क्यों सेम है, क्योंकि नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन नजदीक होता है, तो यहाँ से 1 2, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, फिर इधर से 1 2 3 4। तो ये चार कार्बन का है, दूसरे पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी तो वही करेंगे, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ 1 2, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4, चार कार्बन का है अल्केन और एक्स हमारा का है दूसरे पे, तो दोनों सेम है। तो इसमें अगर हम अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन में एच एक्स को ऐड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी आप ऐड कर दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो पहला हो जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो हमने लेते हैं 2-3 एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने पहला जो देखा ये हो गया पर CH3 H और ये हो गया H। अगर आप इसे नहीं भी दिखाते तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे H है, बट दिखा दो भी। अभी आप यहाँ ऐड कर दो HCl, तो क्या करना है, एक के पास H दूसरे के पास Cl भेज देना है, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो CH3 CH, कहीं भी आप Cl तो मैं यहाँ रखता हूँ, या आप दूसरे के पास भी भेज सकते हो H, यहाँ हो जाएगा Cl और ये हो गया CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चार है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है N और 2 पे क्लोरो, तो यहाँ नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो ब्यूट 1 2 1 2, 2 पे है इन, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या इसको एक्स्ट्रा भी लिखते हैं 2 ब्यूटेन लिखते हैं हम लोग, दोनों सेम है। तो इसका नाम 2 ब्यूटेन लिख दो या 2 क्लोरो या फिर ब्यूट 2 इन लिखो, लेकिन इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 क्लोराइड, ठीक है। हमने देखा था लास्ट टाइम जो नेमिंग नोमेनक्लेचर कर रहे थे, तो IPS या कॉमन सिस्टम दोनों देखा है हमने। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो पीछे देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे। चलो तो ये हो गया आपका फिलहाल, अभी हम एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं सिमेट्रिकल का ही। तो अभी सपोज कर लो सिमेट्रिकल में कुछ ऐसा है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये आपका CH3। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे भी हाईलाइट करेंगे, तो कोई भी हाइलोजन हाईलाइट ये कर रहे ना, सिर्फ एक्स ही तो चेंज करेगा, बाकी सब सेम है। अभी या ये देखो,
ये कार्बन और ये कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी दो मिथाइल ग्रुप, कहीं भी एच और कहीं भी बी आर को ऐड कर दो, सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ बी आर ले लेते हैं तो यहाँ से सी एच थ्री सी सी एच थ्री और यहाँ एच हो गया, नो प्रॉब्लम। इसका नेमिंग आप खुद करोगे, ठीक है, इसका भी नेमिंग करोगे क्योंकि आपने नोमेनक्लेचर का देखा है, और नहीं देखा जाके देखो आप। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन में, सिमेट्रिकल अल्कीन से हम कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे हमने सी एल लगा लिया, बी आर लगा लिया, आई लगा लिया, एच आई लेंगे तो आई लग जाएगा, ठीक है। एच एफ हम जनरली यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो एच एफ है इसका बॉन्ड बहुत छोटा होता है, छोटा होने का मतलब है कि उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, जो चीज इतना छोटा होता है उतना इजिली वो नहीं टूटता है, बहुत उसमें स्ट्रेंथ लगता है, तो ये इजिली नहीं टूटेगा, जब टूटेगा नहीं तो ऐसा बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन मतलब बॉन्ड का क्लीवेज और बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड बनेगा नहीं नया वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जनरली हम एच एफ यूज नहीं करते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करते भी बहुत कम करते हैं, तो आप जनरली क्या यूज करोगे, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, तो आप यहाँ एच आई रखोगे दाई लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, क्लोरीन रखा तो अल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, अल्कीन को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये था सिमेट्रिकल, नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कैसे ऐड करना है एच बी आर को, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल होता है मार्कोनिकोफ्स रूल, उसके अकॉर्डिंग ही हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होगा, दोनों कार्बन डिफरेंट हो जाएंगे ना, यहाँ जो कार्बन रहेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे तो एक के पास प्लस है माइनस है, तो कहाँ प्लस जाएगा कहाँ माइनस जाएगा वो डिपेंड करेगा इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही करने वाले हैं। तो फिलहाल आप यहाँ तक हमने क्या देखा, जो आयोडिनेशन था उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, क्यों लगता है वो देख लिया हमने, फिर क्लोरीनेशन क्यों नहीं करवा सकते, फिर नॉर्मल हम क्या देखें, नॉर्मल जो रिएक्शन हमारा अल्कीन का एच एक्स से, तो क्या बन जाता है आपका, एक कार्बन के पास एक्स और दूसरे पर एच जाएगा। अगर ये सिमेट्रिकल है तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास भी एच और किसी के पास भी एक्स भेज दें हम तो प्रोडक्ट हमको सेम ही मिलेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं है, अनसिमेट्रिकल में आपको प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।